press the bell icon, never miss an update from Student. Hello everyone, कैसे हो? मैं नफीसा आपके अपने YouTube चैनल Student खबरी से, जहां आपको हम different institutes की information provide करते हैं. So I hope आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए. And don't forget to press the bell icon. So, Defence Institute of Advanced Technology, DIAT, Pune. ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो कि अप्रूव्ड है बाय AICTE एंड UGC. इट इज़ एक्रेडिटेड बाय NAAC एंड NBA. 1956 में इस्टेब्लिश हुई है, मतलब काफ़ी अच्छी और पुरानी इंस्टीट्यूट है. अब अगर हम इसके कैंपस की बात करें तो इसका कैंपस आइडियली लोकेटेड है गिरिनगर में, नेक्स्ट टू खटकपसला डैम, पुणे महाराष्ट्र. और इसका जो कैंपस है वो 496 एकर्स में स्प्रेड आउट है. इसकी NIRF रैंकिंग 57 है. अगर हम बात करें कि इसकी फैसिलिटीज़ की, कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि लाइब्रेरी, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज़, वाईफाई कैंपस, ऑडिटोरियम, लैब्स एट्सेट्रा. अब हम बात करें इसके सोशल लाइफ की, तो इसका जो मेन सोशल लाइफ है वो मोटिवेटेड है लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ पे, और ये उसी की तरफ ओरिएंटेड है. और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सेटल डाउन हो सकते हैं DRDO में. और ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है लैब्स को लेकर, इवन बेटर देन IITs. अब हम आगे बात करते हैं इसके कोर्सेज और सीट इनटेक की, कि यहाँ पे आपको कौन कौन से कोर्सेज मिल सकते हैं. यहाँ कोर्सेज ऑफर्ड है MTech और PhD, जिसमें आप गाइडेड मिसाइल्स, एयर आर्मामेंट, UAVs, मराइन आर्मामेंट एंड कॉम्बैट व्हीकल्स, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, लेजर्स एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, रडार एंड कम्युनिकेशन, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन, नेविगेशन सिस्टम्स एंड मैनी मोर. तो यहाँ पे बहुत सारे और अच्छे आपको कोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं. अब अगर हम बात करें इस कॉलेज के कि आपका कैसे एडमिशन ले सकते हैं, तो इसका एडमिशन प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर. और इसकी जो फीस होती है वो 500 होती है जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए, और रुपीज़ 250 होती है SC ST वुमेन PWD कैंडिडेट्स के लिए. और आपको ये जो एप्लीकेशन है वो एक डिमांड ड्राफ्ट बना के आपको सेंड करना पड़ता है. उसके साथ आपको सर्टिफिकेट्स लगाने पड़ते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ मार्क लिस्ट, सर्टिफिकेट्स एंड अदर टेस्टिमोनियल्स. और अगर आपको एक से ज़्यादा या स्पेशलाइजेशन करना है किसी प्रोग्राम में, तो आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है. अब हम आगे बात करते हैं कि इस इंस्टीट्यूट में आपको प्लेसमेंट्स कैसे प्रोवाइड हो सकते हैं. तो इट इज़ नॉट गुड, मतलब इट इज़ लैगिंग समवेयर इन प्लेसमेंट्स, वो भी प्राइवेट कंपनीज में. बाकी हाउएवर इट इज़ गुड फॉर गवर्नमेंट, आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकती हैं. नियरली 80% ऑफ स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं DRDO, BDL, टाटा पावर एट्सेट्रा में. अब हम बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की. तो ये जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो इसी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग हैं. तो इसके प्रोज की बात करें तो यहाँ आपको यूनिक वर्क एक्सपीरियंस मिलता है, आपको ऑफिसर्स के साथ काम करने मिलता है, और मतलब कि यहाँ के लैब्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इवन बेटर देन IITs. आप यहाँ पे स्टूडेंट्स को एंकरेज किया जाता है, ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं होता है. और साथ ही में ये बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है, क्योंकि जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ ये खटकपसला डैम के पास है, तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल है. और हम इसके हॉस्टल की बात करें तो इट इज़ डिज़ाइंड फॉर साइंटिस्ट एंड सर्विस ऑफिसर्स, इसलिए ये एक गेस्ट हाउस की तरह डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पे 2 या 4 स्टूडेंट्स होते हैं इफ नेसेसरी. यहाँ पे आपको स्पेशियस हॉल विद अटैच बाथरूम विद गीजर एंड अ बालकनी इन एवरी रूम प्रोवाइड किया गया है. तो काफ़ी अच्छा कैंपस है, इसलिए काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है. अब अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे ये सिर्फ प्लेसमेंट्स में लैग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड होते हैं, इसलिए प्लेसमेंट्स थोड़ा कंपनीज यहाँ ज़्यादा आती नहीं हैं. अब हम बात करते हैं इसके ओवरऑल रेटिंग की, जो कि आउट ऑफ 10 होगी.
इसके एकेडमिक में है 8 out of 10, एकोमोडेशन 9 out of 10, फैकल्टी 7 out of 10, इंफ्रास्ट्रक्चर 10 out of 10, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लेसमेंट 7 out of 10 और सोशल लाइफ काफ़ी अच्छी है, दैट इज़ 10 out of 10। अब मैं इस वीडियो में आपको इस कॉलेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर चुकी हूँ, बट अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज हैं या आपको ऐसा लगता है आप कुछ जानते हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जिससे स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म और एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स इस कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं जिससे बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाए। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करे और आपको अच्छी लगे, सो प्लीज़ डू लाइक, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।